आपको एक बात बता दूं, एससी केयर के साथ अभी तक 30 दिन में आपने क्या किया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आया नहीं था। यस सर। लेकिन अगले 30 दिन में ये जो हमारी गैदरिंग है, ये जो हमारा परिवार है इनका, जब ये 5 गुना होगा तो कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी आएगा। अच्छा है या बुरा है? Yes, क्या ये काम सच में अच्छा है? ये क्लियर होना चाहिए दिल से एकदम, ये काम अच्छा है। तभी आप किसी को जोड़ने में डरेंगे, आपको थकथक नहीं होगा, आपको बेचैनी नहीं होगा, मन में आत्मग्लानी नहीं होगा। मान लीजिए मैं, मेरा ऐसा कंसेप्ट है, मैं इतना विश्वास करता हूँ कि मान लीजिए आप आए और आप किसी को लेकर बोले सर बहुत गरीब है, इतना गरीब है कि इसके जीवन में कोई नहीं, बस 4 बकरी ना माई ना बाप, बस 4 को बकरी हो रही है, एक हो रही है, बस 5 को बकरी। अब वो 4 बकरी उसका बिचवा है, बकरी बेच दो हमारे साथ रहो, क्योंकि वो 4 बकरी के साथ अगर रह गया तो पूरा जीवन 4 बकरी के साथ निकाल देगा। वो 4 को बेच देगा तो शायद तभी बकरी फार्म भी खोल पाए। बुद्ध जा रहे और बुद्ध के एक कुछ तो निकल के आया, उसके 2-4 बच्चे, दोनों 4 बच्चे के बदल से कुछ अपना नहीं, गरीब लोग एकदम मालिक कुछ तो है नहीं, बस एक भैंस है, आपको चाहिए दूध होगा आपको पिला दिया, दूध पिला दिया, रात हो गई, 2 बज गया रात का, गौतम बुद्ध जग और आनंद को जगाया, सुनो अब क्या बात है, भाई से बोल के भला दो। कैसा गुरु है, थोड़ा ना लायक गुरु मिल गया, हम तो इसको बढ़िया मानते हैं, गरीब आदमी का मजलोवार उसी के दम पे आज हम दूध पिए हैं। आज गरीब आदमी 4 को बच्चा है उसका, आई किसी भैंस को जी रहा है, आई गुरु कैसा ना लायक गुरु है, कहता है कि भैंस बोल के भला दो। आनंद रुक गया, बाकी नहीं गलत काम है, बाकी सुनो गुरु कौन है?
तुम क्या हो? बोला आप जैसा हम बोलेंगे वही ना होगा। सही है, तो हम बोल रहे हैं तो भैंस बोल के बता दो। तो गया लेकिन गरियाते हुए गया अंदर अंदर। अब लाइन को भी तो आप लोग गरियाते हैं, साला सुबह ही सुबह जगा देता है और ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन जितना गरिया रहे हैं तुम्हें मजा यही अपलाइन देगा। जिस दिन आप जीवन में अमीर बनेंगे ना, आपको यही अपना याद आएगा जो आज आपको मारता है गाली दे रहा है, यही अपना याद आएगा। उसी से आप गला मिलेंगे, रोएंगे आप उस अपलाइन के साथ जो आपको खराब लगता है। खराब वही लोग लगते हैं ना जो जीवन में आपके लिए कुछ सोचते हैं, वही लोग खराब लगते हैं। शुरू में खराब ही लगे, अच्छा मास्टर चार घंटा मत भी करेगा, और जो नलायक कम पढ़े तो बोलेगा चाहे पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना मत। ये बढ़िया मास्टर होगा, चार घंटा मारे काहे नहीं बनाए, जो बढ़िया है उसको आपसे मतलब है। भले आप बोल दीजिए कि बाहर में निपट लेंगे आपसे, आइए बाहर, लेकिन फिर भी मारेगा क्योंकि बढ़िया है, वो आपके बारे में चिंता कर रहा है। अब ये तो भगा दिया आनंद, उस भैंस को बोल के भगा दिया, लेकिन अंदर अंदर सोचता रहा कि मेरा गुरु निकल गया नालायक। हम गलत इंसान को गुरु चुन लिया, हम सोचे थे गुरु बढ़िया इंसान है, लेकिन इंसान अच्छा इंसान नहीं निकला। गरीब आदमी का भैंस बुलवा दिया, हमें बात करते आनंद सोचे। अब क्या हुआ कि दो साल बाद वो लोग उसी रास्ते से फिर लौट रहे थे, तो दोनों लौट रहे। आनंद बड़ा प्रेयर से हमेशा गाती रहता, अब दोनों लौट रहे थे उसी जगह से लौट रहे। तो देखिए उस जगह पे ऐसा ही बड़ा सा घर बन गया। तो बोले बुद्ध आनंद कुछ याद आ रहा है? नहीं याद करो, कुछ याद आ रहा है तुम लगता है इधर नहीं रुके खा रहे थे, आगे पीछे नहीं यही रुके थे, तो जहां झुकी झोपड़ी थी वहां महल खड़ा हो गया था। तो आनंद बोला कि देखो महाराज गुरु जी यहाँ तो झोपड़ी था, तो कहा कि अब तो झोपड़ी नहीं है, अब तो ये महल बन गया, तो ये कैसे हुआ? तो बुद्ध ने बोला उन्हीं से पूछ लो, चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं कि कैसे हुआ। दोनों गए, दोनों को पहचान गया वो इंसान, अरे आइए 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 बाप रे बाप आप लोग आए थे 2 साल पहले। तो आनंद पूछा कि बाप रे वो सब छोड़िए कि कैसे हुआ? बच्चे के शरीर में बढ़िया बढ़िया कपड़ा, सब अमीर दिख रहे हैं, बड़ा महल एकदम, आई कैसे हो? तो कहा अरे क्या बताए आप लोग, इस रात आए थे उसी रात कोई साला हमारा भैंस भगा दे। तो जान रहा था कि किसको गरिया रहा है, उसको नहीं पता था आनंदे वाला है, ये दोनों है। कहा कि जिस रात आप लोग आए थे उस रात ना मेरे जीवन में कांड हो गया, उसी रात कोई ना मेरा भैंस खोल के भगा दिया। अब जानते हैं वही भैंस से हम लोग का घर चल रहा, वही जो दूध देती थी वही बेचते थे तो 2-4 रुपया। अब वो जब भाग गई तो भैंस खरीदने का औकात नहीं था मेरा, तो ये जो खेत देख रहे ना उस समय बंजर था, सब बंजर था, जमीन बहुत था वहां लेकिन बंजर था। तो कहा कि कोई उपाय नहीं था तो हम इसी बंजर जमीन को कोड़ दिए पूरा और इसको खेती के लायक बना दिए और इसी पे बोना शुरू कर दिए। इतना ना फसल हुआ कि हम लोग अमीर हो। अब आनंद था, अब वो गुरु जी को देखे कि साला गुरु तो ठीक है बोला था, गुरु बहुत दूर से बोला था कि भैंस बोल के भगा। आनंद सोचे 2 साल तक हमसे पाप हो गया, हम गुरु को नलायक समझते आ गए, 2 साल से है इसके साथ लेकिन सोचते यही थे कि गुरु बेईमान निकल भैंस भगवा दिया। लेकिन अगर ये भैंस जाती नहीं तो ये खेत में मेहनत करता है। वो भैंस कंफर्ट जोन, भैंस क्या था? कंफर्ट जोन। कुछ लोग नौकरी करते हैं और 20,000 में ही मस्त रहे, कुछ लोग का सरकारी मास्टर हो जाएगा तो आपसे बात सही से नहीं करेगा, प्रधानमंत्री है घर का, और दरोगा हो जाएगा तो सीधे राष्ट्रपति। आप बोलेंगे और भैया आप लोग भैया का कौन चंदन का कौन पे घर के बगल में, अच्छा थोड़े पहचाने ना मास्टर हो गया रोगा हो गया, क्योंकि वो 30,000 में ही बहुत मस्त है, बहुत मस्त, मतलब 30,000 में 300,000 सेविंग हो गांव में।
अनाज हो ही जाएगा, पैसा बच रहा है। और जानते हैं ऐसा क्यों होता है? आप में से कितने लोग यहाँ चल के आए? सब चल के आए। यस सर। मान लो आज आपको इस हॉल में एक वरदान मिले, क्या मिले? वरदान शक्ति। एक आज आपको शक्ति मिल जाएगी, जो इंसान यहाँ से आया है वहां तक उड़ के जा सकता है। कैसे जा सकता है? उड़ के। वरदान मिल जाए कि आप जहां से आए हैं यहाँ से ऐसे ही एक बटन दाबिएगा, उड़ के वहां तक पहुंच जाए। वरदान एकदम सुरक्षित रहने के लिए, एकदम सेफ रहने के लिए। तो कोई चल के जाना चाहे? आप चल के जाना चाहेंगे? सब लोग उड़ रहा हूँ, आपको भी शक्ति हो रहा है। और आपको पता है कि वो उड़ सकता है? जिस इंसान को उड़ना आ जाता है वो चलने में विश्वास नहीं करता। जिस इंसान को महीने का 30 लाख कमाने का रास्ता मिल जाता है वो 30,000 महीने में विश्वास नहीं करता। राइट। महीना कमाते और टीचर रहते हैं और इनको कोई नेटवर्किंग नहीं बताता तो इनका जीवन मस्त चलता, अंत मस्त मरते, मरते भी तो मुस्कुराते मरते, जीते भी तो खतरनाक जीते। मेरे से अच्छा जीवन किसी का नहीं। इनका जीवन खराब उस दिन होता है जिस दिन कोई बता देता है कि इसे आया महीने का 30। यहां से गड़बड़ क्योंकि अभी तक तो उसको पता था कि 30 बहुत है, वो सोचा थोड़े था कि 30 मिलेगा, वो तो 30 मिल गया तो लग रहा है कि बाप रे बाप साक्षात भगवान आ गए हैं साथ हैं, हनुमान जी साथ ही चल रहे हैं। 30,000 बाप एकदम हवा में है, तब तक कोई उसको बोलता है कि 30,000 अरे आप 1,00,000 रुपए महीने का। अब उसका नींद थोड़ा, अब तब तक कोई दिखा देता है कि देखिए ये देखिए आपसे भी ना बिजरा इंसान 5,00,000 महीने का। उसको अभी तक देखिए आपको अमीर बनना ना पता चले और आप मर जाए कोई गम नहीं होगा, क्योंकि पते नहीं, पते नहीं। मान लीजिए कि इस हॉल में कि यहाँ के नीचे अरब रुपया, कितना रुपया? अरब रुपया आपका घर है, एक पल के लिए मान लीजिए कि आपकी घर है, इसके नीचे 1 अरब रुपया, लेकिन आपको पते नहीं, तो आप गरीबी में मर जाएंगे, आपको घंटा गम नहीं, पते नहीं, आराम से मर जाएंगे। पता चल जाए कि इधर 1 अरब रुपया है तो आप अपना घर नहीं खोदेंगे, साला पूरा रांची खोद देंगे। यस सर। है तो इधर कहीं ना कहीं, हां है कि नहीं? यस सर। क्योंकि पता तो चल गया ना, कोई बता दिया है इधर। यस सर। सबूत भी दे दिया, पूरा प्रमाण दे दिया, तो आपको बेचैनी हो जाएगा। अभी आप रात में आराम से सोते थे, अब नहीं सो पाए। इंसान को जब पता चल जाता है वो बड़ा बन सकता है, तो वो बेचैन हो जाता है। देखिए समाज कैसे, समाज उन लोगों का है, समाज में क्या है, समाज में है कि क्या ले लिया है, क्या है? खाली हाथ आए, खाली हाथ जाए, आराम से। समाज में चाहता है कि लोग आप आराम से रहे, बस क्रांतिकारी मत बने। 10,000 कमाइए मस्त सो जाए, क्योंकि क्रांतिकारी हो जाएंगे तो 2-4 लोग और नींद हराम कर देंगे। क्रांतिकारी इंसान शांत नहीं ना रहेगा। यस सर। रात में जगेगा तो 4 और नालायक को जगाएगा कि रे जड़ करना है कुछ। यस सर। तो समाज चाहता नहीं है क्रांति, समाज चाहता है आराम, क्योंकि समाज नालायक लोगों से भरा हुआ है और 60 साल तक लोग आरामे करके मरते हैं। जो नौकरी कर रहा है ना 10 घंटा, वो भी 2 घंटा बर्बाद करता है। आया ना? यस सर। वो 2 घंटा बर्बाद काम नहीं करेगा लेकिन बर्बाद करेगा। आराम चाहिए, काम नहीं करेंगे। आप क्यों बेचैन है? नेटवर्कर्स क्यों बेचैन है?
और मैं आपसे लिख के देता हूं, आज आप नेटवर्किंग छोड़ दीजिए, 6 महीने बाद छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, आपको प्लान पता चल ना गया है, आपको 2 साल बाद फिर झटका आएगा, अटैक आएगा, आपको बर्दाश्त नहीं होगा, 2 साल में फिर से जो वायरस है वो जिंदा हो जाता है, 2 साल में आप बेचैन हो जाएंगे, 6 महीने में बेचैन हो जाएंगे काम छोड़ के। इस काम को अगर कोई लगता है कि छोड़ गया और खुशी खुशी जी देगा, कोरोना का इलाज है बाबू, नेटवर्किंग का कोई इलाज नहीं है। लोग को लगता है कि छोड़ देंगे तो छोड़ने के बाद तो आपको रोज याद आएगा रात में, आप 6 महीने की नौकरी कर लेंगे ना, 7वें महीने में आपको बोल बोल याद आएगा, कभी डायरी याद आ जाएगा, कभी सपना याद आ जाएगा, और अगर यूट्यूब में कोई वीडियो देख ले आप याद करना, तो देखिए आपको रास्ता ना पता चलता अमीर बनने का और आप गरीब बन जाते, आपको हल्का सा भी दुख नहीं होता, लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि आप करोड़ों कमा सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं, और अब आप ना बने आपको बेचैन, अब बेचैनी, क्योंकि पता चल गया कि मैं बन सकता, पता चल गया कि मैं कर सकता, तो जब पता चल जाता है उसके बाद अगर नहीं होता फिर वो दुख, तो चाहे गलती से किसी ने तो आपको बता दिया, अब आपकी शांति भंग हो जाए, इसके बाद भी अगर आप 12 घंटे सोते हैं तो आप 1 नंबर के दुखी आते हैं, नेटवर्कर को 5 घंटे में नींद टूट जाना चाहिए, कितने घंटे, 5 घंटे, 1 घंटे टूटना चाहिए, 1 बार टूटना चाहिए, 5 घंटे नेटवर्क अटैक आए टूटे फिर भले सो जाए, फिर भले सो जाए 2 घंटे, बट 5 घंटे में नींद टूटनी चाहिए उसकी, खट उठ जाना चाहिए, बोल बोल 5 घंटे में नींद टूटनी चाहिए फिर भले सो जाए, कुछ लोग हैं 12 घंटे सो रहे, अपना 4 लाख मार रहा फिर भी नहीं जग रहा, ये कुंभकर्ण का औला सोने के लिए बैठा, बहुत अधिक नींद आने का क्या मतलब है कि आपके पास भाव नहीं है, क्या नहीं है भाव, अभी आपका भाव नहीं है, इसके भाव जाग जाते उसकी नींद भाग जाती है, उसको तो नहीं गिनता 4-5 घंटे में नींद टूटनी, उसकी ब्रेक होनी है, उसको गड़बड़ी उसके अंदर, इसको बोलो क्या करो, इसको क्या कैसे, तो फरवरी में है उसको तो बोल रहा है मुझे करना है कुछ, प्लान समझिए, प्लान देना सीखिए, और पूरे विश्वास के साथ काम कीजिए, मैंने आपसे कहा कि आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में 80% लोग बेईमान हैं, बुरा मत बोलिए, काम करने वाले बेईमान हैं, हमसे नहीं बदली आते हैं, बहुत खराब लगते हैं क्योंकि हम बोल देते हैं मुंह, इतना डीएम भी मान रहा है, इतना दर्जी मान रहा है, इतना एसपी मान रहा है, इतना दरोगा मान रहा है, दरोगा का सैलरी इतना कम है, आप 5 साल में 1 करोड़ का घर बना देगा, कहां से हो, डीएम का बच्चा लंदन पढ़ने लगेगा, कहां से आ रहा है पैसा, तो कुछ लोग जमीन बेच के पैसा कमा रहे हैं, हम और हम उत्पाद बेच के, आप इतना याद रखिए, हो सकता है पढ़ाई में आप और हम उनसे थोड़े कम हो, ईमानदारी में हम उनके बाप ज्यादा है, राइट, लेकिन उनको प्रोडक्ट बेचने से नफरत है, हम बेचेंगे प्रोडक्ट, तुम सलाह जमीन निश्चित करो, बढ़िया है, हम तो प्रोडक्ट देख बेच रहे, शराब दारू तो नहीं बेच रहे, शाहरुख खान अक्षय कुमार ये तीनों मिलकर विमल गुटखा बेच रहा है, इतने बड़े बड़े लोगों को गुटखा खाने के लिए प्रेरित करें तो ठीक, और हम आयुर्वेद खिलाएं, हम बड़ा बनाएं, हम बढ़िया बनाएं, हम खराब हो गए, सलमान खान बचा हुआ था वो भी नासिरी गुटखा बेचने लगा,
उसको राष्ट्रीय गुट का बुला दिया, अभी मुसलमान का राष्ट्रीय गुट का बेच रहा है। आप बताइए कि ये सब इतना बड़ा लोग, करोड़ों अरबों का लोग, साले को गुटखा बेचने में शर्म नहीं, आपको हमको क्या शर्म है? हम तो कम से कम गुटखो नहीं बेच रहे yes, sir. हम क्यों शर्माए तुलसी बेच रहे, हम क्यों शर्माए गुटक बेच रहे? ये सब अरब पति लोग गुटखा बेचने में, उसमें भी शान से बेच रहे हैं गुटखा, विमल गुटखा, अरे गुटखा। अभी सलमान आ गया राष्ट्रीय गुटका, तो ये सब गुटका बेचे तो ठीक और हम प्रोडक्ट बेचे तो खराब। हम गुटका लोगों का छुड़वाते हैं, इतने बड़े बड़े लोग गुटका खाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और नेटवर्कर लोगों का गुटका छुड़वा रहे हैं। कहां देख रहा है का प्रचार किसके लिए कर रहे हैं? शान के लिए, शान बढ़ेगा इसमें, पैसे के लिए ना, पैसे के लिए आप गुटखा बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, पैसे के लिए आप आके बोल रहे हैं विमल गुटखा खाओ, दुगो तो खाई है, साला तीसरा भी आ गया उसी में घुस के, सारे लोग आ गया गुटखा बेचने में। तो आप पैसा के लिए जमीन बेचे, गुटखा बेचे, शराब बेचे, सिगरेट बेचे तो आप ठीक, और हम सब छुड़वा देते हैं खराब। ये नेटवर्किंग है, ये हम नहीं फंसेंगे। बाप रे बाप, तुम ही वो भाई महान आत्मा हो, नहीं फंसोगे तुम? मुझे लगता है कि अगर कहीं फंस जाने से इंसान की आदतें अच्छी हो जाए, चरित्र अच्छी हो जाए, तो पैसा फाड़ में जाए, ऐसी जगह पे बने रहिए जहां पे आप। आप मानते हैं कि नहीं कि नेटवर्क में ये पावर है कि लोगों को अच्छा बना सकती है? यस सर। आप जैसे आए तो उससे बेहतर होंगे, हाँ या ना? यस सर। और देखिए नेटवर्क में थोड़ा जिद्दी होता है, थोड़ा 15 मिनट पढ़ने का भी आप आज से कसम खा लीजिए। कितने मिनट? 15 मिनट किताब पढ़िए, 15 मिनट बस, आज से कसम खा लो, खाना नहीं खाएंगे जब तक 15 मिनट नहीं पढ़ेंगे। रात में 15 मिनट पढ़ने पड़ना है, कोई भी किताब खरीदो 15 मिनट पढ़ने पड़ना, 15 मिनट पढ़ो बस, और 15 मिनट पढ़ के 1 रुपया दिखाओ कि 15 मिनट पढ़ाओ, 2 रुपया दिखाऊंगा, 15 मिनट पढ़ लो, मन करो 15 मिनट बहुत होता है, फिर इसी 15 को कितना करना है 30, अभी 15 करो 15 करो 15 करो, फिर धीरे धीरे 20 में करो, फिर धीरे धीरे 1 घंटा और 1 से 2, 2 बहुत है, 2 में तो आप पूरा दुनिया ना फिर। अपने आप को जानिए, पहचानिए, आप किसी से कम नहीं है, किसी मिससे भी नहीं, आप सबके बाप है, किसी से कमजोर नहीं है। लेकिन दिक्कत ये कि मानते ही नहीं, हम खुद को ही कमजोर मानते हैं, तो खुद को कमजोर मानना चाहते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए पूरा दुनिया भर का नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ इतना पता होना चाहिए मेरी कंपनी बढ़िया, मेरे अपलाइन बढ़िया, मेरा प्रोडक्ट बढ़िया, मेरा प्लान बढ़िया, और मैं तो सारा सुपर बढ़िया आ रहा है। शराब तो
नहीं पिला रहे किसी को, रहेगा बढ़िया ही करके सिखा रहे हैं ना। जमीन बेचने वाले लोग नहीं है, उत्पाद बेचते हैं और शाम से पैसा कमाते हैं, और चोरी ऐसा नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स देके पैसा कमाते हैं, राइट ना। तो आप दिखाते हैं रेट वगैरह रोड पे आगे कमाएंगे, छुपाता नहीं है। तो कितने लोग हैं जो 10 दिनों में 5 जुआनी का चैलेंज लेना चाहते हैं, कर सकते हैं हम लोग ना। अभी देखिए ये गैदरिंग 5 गुना बढ़ाना है नेक्स्ट मंथ, यस सर, अगले महीने में इसको 5 गुना बढ़ाना है, यस सर। गांव बेच दो, बकरी बेचवा दो, भैंस बेचवा दो, गाय बेचवा दो, उसका मोबाइल बेचवा दो, उसको बोले कि कुछ नहीं फूल बेच, नहीं सर नहीं चलेगा, मैं नहीं देगा पैसा तेरा, मैं नहीं देगा, मैं देगा कम हो जाएगा, मैं अगर किसी का पैसा दूंगा तो क्या अकाउंट हैंडी कर बन जाएगा, पैसा आपको लाना कहीं से लाओ, कुछ भी करो पैसा लाना पड़ेगा। अब अपनी शुरुआत खुद करनी होगी, और जो अपनी शुरुआत खुद नहीं करेगा दूसरे की शुरुआत कहां से कराएगा, और मुझे बोलने में कोई कोई इतना सा भी शक नहीं है, अगर कोई दुनिया में गरीब है वो मेरे चलते नहीं है, वो आपके चलते नहीं है, उसकी गरीबी में आपको और हमारा योगदान नहीं है। अगर कोई गरीब परिवार में पैदा हुआ क्या आपके चलते पैदा हुआ, कोई गरीब है क्या आपके चलते, लेकिन अगर कोई इंसान खुदा आपको अगर उससे मिलवाता है तो एक बात याद रखिएगा, वो गरीब था उसमें आपका कोई योगदान नहीं, लेकिन जिस दिन उसका खानदान अमीर बनेगा सबसे बड़ा योगदान, और अगर ईश्वर अरे उसको गरीबी रहना होता तो क्या भगवान आपको से मिलवाता, नहीं मिलवाता क्या, हर इंसान को एक बार मांगने पता चलेगी नहीं पता चलेगी क्या, हर इंसान एक बार मांगने का बनाया जाना चाहिए नहीं जाना क्या, हर इंसान को एक बार मांगने का जिंदगी में नहीं, वो मर जाएगा उसको पता नहीं चलेगी। अगर किसी को एक बार बात नहीं पता चली और आप बता रहे हैं, एक बात तो कंफर्म कर लीजिए कि सर मैं बता रहा हूं जुड़ना होगा, यस सर बता रहा हूं जुड़ना होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, एससी केयर के साथ अभी तक 30 दिन में आपने क्या किया मुझे नहीं पता क्योंकि मैं आया नहीं था, yes, yes, sir! लेकिन अगले 30 दिन में ये जो हमारी गैदरिंग है, ये जो हमारा परिवार है रांची का, जब ये 5 गुना होगा तो कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी आएगा, yes! कुछ लोग जाएंगे राइट, कुछ लोग डिप्रेशन में जाएंगे, कुछ लोग पागल हो जाएंगे, और उन्हें लगता था मैं आऊंगा नहीं, बहुत सारे लोग मेरे फेसबुक पे भी कमेंट करते थे सर कहाँ है सर कहाँ है सर कहाँ है राइट, अरे आने दो आने दो, आ जाओ सब आगे आ जाओ, आ जाओ सब आ जाओ, आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो भाई आने दो आने दो राइट, यही है चलो आज पूरा करेंगे अभी समझ रहे हैं ना मेरी बात, देखो कौन क्या कर रहा है।